प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। फुटबॉल ए सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मैच होने वाला है ATN वर्सेस VNZ के दरमियान, इस वीडियो में हम आपके साथ टीम एनालिसिस करेंगे, आपको टॉप क्लास प्लेयर्स के बारे में जानकारी देंगे, टॉप क्लास कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस फॉर हेड टू हेड माली ग्रैंड लीग, और लास्ट में दोस्तों आपको एक टीम भी दिखाएंगे, टीम का प्रिव्यू दिखाएंगे। बट दोस्तों, अगर आप इस मैच के फाइनल और अपडेटेड टीम्स लाइनअप्स निकलने के बाद आप कॉस्ट पाना चाहते हो तो आप हमसे हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसके लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम दोनों टीम्स पर एक नज़र डालेंगे जो इन्होंने रिसेंट मैच खेले हैं। दोनों टीम्स में दोस्तों अगर हम बेस्ट टीम की बात करेंगे तो एटलांटा की टीम आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। ये जो दोस्तों ATN की टीम है, ये बेस्ट टीम है और इसने लास्ट 5 मैच में दोस्तों 3 मैच जीते हैं, और लास्ट 14 मैच की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 28 गोल भी दोस्तों इन्होंने स्कोर किए हैं। बट अगर VNZ की बात करेंगे तो ये उतनी अच्छी टीम नहीं है, लास्ट मैच में सिर्फ 2 मैच दोस्तों जीत पाई है और इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और कुल मिला के यहाँ पर ATN की टीम दोस्तों आपको स्ट्रांग टीम देखने को मिलेगी। प्यारे दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम गोलकीपर सेक्शन से, फिर डिफेंडर सेक्शन, मिडफील्डर सेक्शन और फॉरवर्ड सेक्शन में जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको सभी प्लेयर्स के बारे में जानकारी देंगे कि किस प्लेयर को आप आजमा सकते हो आज कैप्टन या वाइस कैप्टन, और कौन सा प्लेयर आपके लिए दोस्तों हेड टू हेड में भी ठीक रहने वाला है, और इस मैच में दोस्तों आप हेड टू हेड भी खेल सकते हो। एस रोमेरियो, अगर आप प्यारे दोस्तों मीडियम रिस्क की ग्रैंड लीग टीम खेलना चाहते हो और हेड टू हेड खेलना चाहते हो, स्मॉल लीग खेलना चाहते हो, तो इस प्लेयर को दोस्तों आपको लेना पड़ेगा। लास्ट 5 मैच की अगर हम बात करेंगे तो कंटिन्यूसली दोस्तों ये ड्रीम टीम में आ रहा है, और तकरीबन अगर एवरेज की बात करेंगे तो 40+ पॉइंट्स ये पर मैच दोस्तों स्कोर करके आपको देगा। जे मोसू की बात करेंगे, एटलांटा का टीम प्लेयर है दोस्तों, एटलांटा जो मैंने आपको बताया था कि ये बेस्ट टीम है, और ये भी तकरीबन आपको 30 पॉइंट देगा, 28 पॉइंट से भी ज़्यादा ही आपको स्कोर करके दे सकता है अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो। बट ये ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों ठीक रहेगा, और ये दो प्लेयर्स इस मैच में दोस्तों आपको तकरीबन खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, और दोनों प्लेयर्स को हाईली रिस्की ग्रैंड लीग टीम में ही दोस्तों कैप्टन ट्राई किया जा सकता है, बट वाइस कैप्टन आप चाहो तो मीडियम रिस्क में भी लगा सकते हो। डिफेंडर सेक्शन की बात करेंगे, आर टोली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक गोल किया था इसने लास्ट इसी मंथ में दोस्तों किया था, नवंबर में अगर देखा जाए तो। इस प्लेयर की अगर हम बात करेंगे, ज़्यादा भरोसा इस पर नहीं किया जा सकता कैप्टनसी के लिए, बट वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। डी जेपा कोस्टा की अगर हम बात करेंगे, ये भी उतना इम्पोर्टेंट प्लेयर नहीं है, बट जे लुस पेलमी अगर हम बात करेंगे इसकी, तो दोस्तों इस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन, और ये दो प्लेयर जो है दोस्तों आप चाहो तो वाइस कैप्टन इनको ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन जो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन जे लुस, तो दोस्तों इसको आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो इन दो पे भरोसा लगा सकते हो, बट मेरे अंदाज से फिलहाल इस प्लेयर पे हम भरोसा करेंगे, और इनको दोस्तों आप चाहो तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकती हो। ये वाला प्लेयर दोस्तों अगर आपको गोल करके देगा तो वहाँ से भी 60 पॉइंट्स मिलेंगे, क्लीन शीट करके देगा, असिस्ट से पासिस कंप्लीटेड तो वहाँ से भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पॉइंट मिलेंगे। बट ये दो प्लेयर दोस्तों अगर असिस्ट कंप्लीट करेंगे, बाकी तरीके से पासिस कंप्लीटेड, चांसेस क्रिएटेड, वहाँ से पॉइंट अगर देंगे तो बहुत अच्छा आपका टीम बन जाएगा। एम कैडेरा की अगर हम बात करेंगे, कैप्टनसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन विकल्प है, तो आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकती हो। हाई स्कोर की बात करेंगे, शायद 100+ का हाई स्कोर है, गोल करके दे सकता है आपको। और जे मेहली दोस्तों एक अच्छे ऑप्शन है, इसके साथ आप जा सकते हो। इसके अलावा मेरे अंदाज से यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए नीचे वाले प्लेयर्स की अगर हम बात करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे कोई दिख नहीं रहा है, बट दोस्तों लाइनअप्स निकलने के बाद हो सकता है कोई नया प्लेयर खेले, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर मिडफील्डर सेक्शन की, यहाँ पर आर मेलिवन्स की अगर हम बात करेंगे, अच्छे खासे ऑप्शन है एटलांटा की तरफ से, ATN की तरफ से, और प्यारे दोस्तों अगर आप सोमाली हेड टू हेड खेलना चाहते हो तो इस प्लेयर को तकरीबन आपको वाइस कैप्टन बनाना ही पड़ेगा। ये एक बेहतर ऑप्शन है, अभी तक गोल भी कर चुका है, पासेस, चांसेस क्रिएटेड, असिस्ट्स, क्लीन शीट, तो दोस्तों हर तरीके से ये आपको पॉइंट दे सकता है, एक बेहतर विकल्प है, बेहतर ऑप्शन है, और ग्रैंड लीग टीम में भी इसको कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। एम आर्मो की बात करेंगे, हाईली रिस्क की ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन ट्राई किया जा सकता है। एम पैसा लीग की बात करेंगे दोस्तों, कैप्टनसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में, और इसके अलावा ई मेडो आर फिलर और जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे दोस्तों, कोई भी खेलेगा, आप उसको एज ए प्लेयर अपनी टीम में पिकअप कर सकते हो, और बाकी दोस्तों किसी भी प्लेयर पे कैप्टन बना मतलब
कैप्टन का चार्ज आप नहीं लगा सकते। डी जप्टा की बात करेंगे दोस्तों, अगर आप हैट्रिक खेलना चाहते हो तो इस प्लेयर को कैप्टन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतर 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 ऑप्शन है। इससे बेहतर आपको हैट्रिक में कैप्टनसी के लिए कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। ग्रैंड लीग टीम में आप चाहो तो लीव ही कर सकते हो उसको, इसके बदले दूसरे प्लेयर को ले सकते हो। बट अगर आप हैट्रिक खेलना चाहते हो तो, या सोमाली खेलना चाहते हो 3 मेंबर 10 मेंबर 100 मेंबर, तो उसमें इसको दोस्तों आपको कैप्टन बनाना चाहिए। बाकी आप चाहो तो एक प्लेयर या फिर वाइस कैप्टन चेंज उधर इधर कर सकते हो। तो दोस्तों अब आगे टीम बनाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को भी दबा दे लेटेस्ट ड्रीम वाले उनके वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों डी जप्टा मैंने आपको बता दिया कि कहां पर कैप्टनसी के लिए ठीक रहेगा। डी ओकेरी दोस्तों कैप्टनसी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वीएन जेड की तरफ से ये इंपॉर्टेंट फॉरवर्डर है, और इसके अलावा मेरे अंदाज से कोई भी प्लेयर यहां पर फिलहाल बेस्ट नहीं है, तो यहां से मैं इन दोनों को पिकअप करूंगा। मैं फिलहाल एक मीडियम रिस्क की ग्रैंड लीग टीम बनाने की दोस्तों यहां पर ट्राई करूंगा। तो आर मेलस्कोवी को मैं पिकअप करूंगा, यहां से मैं दोस्तों एम पेलसोनिक को पिकअप करूंगा, एम मिरू या एड्री दोनों में दोस्तों आपको एक को पिकअप कर लेना चाहिए, या फिर आप दो ले सकते हो। दोनों हम वापस आएंगे, अगर दोस्तों हमारे पास पॉइंट बचे तो हम इन दोनों को पिकअप जरूर करेंगे। यहां से मैं दोस्तों जे लियस को लूंगा, आर टॉली को पिकअप करूंगा, और यहां से दोस्तों एस को पिकअप कर लूंगा। फिलहाल हम मैंने दोस्तों एटीएन के 6 प्लेयर लिए, बट इससे ज्यादा मैं इनके प्लेयर नहीं लूंगा, और ये भी हो गया कंप्लीट। अब मेरे पास 9.5 बहुत पॉइंट्स है, अब मैं इसके साथ जाऊंगा। तो ये रहा दोस्तों मेरा एक मतलब इस टीम के साथ, अगर आप भी खेलोगे ना इसी वक्त, मतलब कोई चेंज भी नहीं करोगे, तो इस टीम के साथ आपका लॉस तो होगा नहीं, ये कंफर्म है। बट दोस्तों ज़्यादा जीतने के चांसेस भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हेडपर में कैप्टन किसको बनाना है, तो बिल्कुल आपको वही लेना है कैप्टन। बाकी किसी भी प्लेयर को आप वाइस कैप्टन यहाँ पर ऑप्शन है। और ग्रैंड लीग टीम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि किस किस प्लेयर पर आपको भरोसा करना चाहिए, तो आप चाहो तो उस प्लेयर को टारगेट कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया। तो ये ग्रैंड लीग के लिए फिलहाल हमारी तरफ से एक छोटा सा टीम रहेगा, एक सुपर क्लास टीम है। बाकी दोस्तों फिलहाल हम मिलेंगे टेलीग्राम पे, यहाँ से दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।